जय श्री राम, जय बालाजी। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे टंकी कनेक्शन करना, टंकी कनेक्शन कैसे करते हैं। ये हमने टंकी और ये हमने गोला लेके पेन से गोला बना लेते हैं ताकि इसका निशान बना रहे जो हमने पहले से ही बना रखा है, ठीक है। अब इसमें हम बीट से जो हमारे पास है टंकी कनेक्शन बीट, आजकल नया ज़माना है, 2020 में जी रहे हैं तो हम निप्पल से छेद नहीं करते हैं, इससे करते हैं। ये हो गया हमारा टंकी कनेक्शन। ये टंकी कनेक्शन जो मशीन द्वारा हो गया है, अब इसको हम क्लियर कर लेंगे। इसको इसलिए घिसा जा रहा है क्योंकि जो आउटलेट है ये ऊंचा उड़ जाएगा यहाँ से, नहीं तो लीक मारेगा, तो देख रहे हैं आप, इसलिए हम इसको इस तरीके से प्लेन कर लेते हैं। अब हम एक इनलेट के लिए छेद करेंगे, ये लगा रहेगा चलेगा। देखिए कैसे करते हैं हम इनलेट का छेद। इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये जल्द से जल्द छेद हो जाता है और निप्पल के थ्रू हमें बहुत समय लगता है। अब लगाएंगे हम इसमें टंकी कनेक्शन। अंदर से दिखाता हूँ कैसे कसते हैं। ये देखिए हम दिखाते हैं उसको अंदर से कैसे कसते हैं। ऊपर उधर पड़ो पकड़ो टंकी कनेक्शन। अब हम इसे पाइप पाने से टाइट कर लेंगे। इसमें रबर का है इसकी टैपलॉन लगा दे। इसको बोलते हैं एपीपीटी।
हम टेफ्लॉन लगा लेंगे क्योंकि इसमें रबर नहीं है। अगर रबर रहती तो टेफ्लॉन की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, बिना टेफ्लॉन के ही हो जाता है, इससे टंकी लीक नहीं मारती है। अभी कसा गया है पूरा, अब हम लगाएंगे टंकी को। अब हम टंकी रखना, ये है सामान हमारा। इसके बाद हम वॉल वॉल लगाएंगे, फिर यूनियन लगाएंगे। दो एल्बो हमारे सहपाठी जी ने कार्य करते हुए। अब
वाल्व इसलिए पहले लगाते हैं हम लोग, क्या होता है कि जैसे कहीं टंकी यूज़ करना है, अगर यहाँ पे काम नहीं है कहीं और ले जाए, तो यूनियन खोल के वॉल्व करके पानी भर सकते हैं उसमें, नहीं तो ऐसे यूज नहीं कर पाते हैं पब्लिक। कट कर ये हमारा एयर पाइप ये लगा दी हमने तेल। इसको हम चिपकाते नहीं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।